हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस प्रकार से QR कोड वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, जो कि इस समय YouTube और Instagram पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है? तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है अपन तक जरूर देखिएगा। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सिंपली आपको VN एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपको कोने में स्कैन वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। स्कैन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको कोने में फाइल वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। और आपको यहां पर एक QR कोड दे दूंगा, तो आपको उसी QR कोड को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप QR कोड को सिलेक्ट करोगे, आपको नीचे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, और आपको इस टेम्पलेट को कर लेना है डाउनलोड। टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और आप जिस भी फोटो से QR कोड वाला वीडियो एडिट करना चाहते हो, तो आपको उन्हीं फोटो को कर लेना है सिलेक्ट। तो आप यहां से कर लीजिए सिलेक्ट। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आप देख सकते हो दोस्तों, हम जो वीडियो क्रिएट कर रहे थे वह यहां पर क्रिएट हो चुका है। तो आपको इस वीडियो को कर लेना है एक्सपोर्ट। तो आपको कोने में एक्सपोर्ट वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, और आपको फिर से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। एक्सपोर्ट वाले आइकन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप सॉन्ग कैसे ऐड करोगे। तो आप इस वीडियो को कर लीजिए सेव। वीडियो को सेव करने के बाद आपको यहां से बैक चले जाना है, और आपको नीचे प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट को कर लेना है सिलेक्ट, और आपको यहां पर वीडियो वाले सेक्शन पर चले जाना है। और आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो आपको उसी वीडियो को कर लेना है सिलेक्ट। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस वीडियो को कर लेना है ऐड। जैसे ही आप वीडियो को ऐड कर लोगे, आपको सिंपली वीडियो के लास्ट में चले जाना है, और आपको इस ब्लैक इमेज को कर देना है डिलीट। ब्लैक इमेज को डिलीट करने के बाद ओरिजिनल को कर लेना है सिलेक्ट। 9:16 को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको वीडियो के शुरू में आ जाना है, और आपको फर्स्ट में म्यूजिक वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट। म्यूजिक को कर लेना है सिलेक्ट। म्यूजिक को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर माय म्यूजिक पर जाना है, म्यूजिक लाइब्रेरी पर जाना है, और आपको यहां पर उसी सॉन्ग को कर लेना है सिलेक्ट, जिस सॉन्ग का लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो आप उसी सॉन्ग को कर लीजिए सिलेक्ट। सॉन्ग को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इस वीडियो को फिर से कर लेना है एक्सपोर्ट। तो आपको तीर वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, और आपको एक्सपोर्ट को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप एक्सपोर्ट वाले आइकन को सिलेक्ट करोगे, आप देख सकते हो दोस्तों, हम जो QR कोड वाला वीडियो एडिट कर रहे थे वह यहां पर सेव हो रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो एडिटिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।